नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। श्रद्धा मर्डर केस जिसे सुलझाने में 5 राज्यों की पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अब तक हाथ खाली है। ऐसे में टाइम्स नाउ नव भारत श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े 10 बड़े खुलासे करने जा रहा है। हमारी टीम श्रद्धा के दोस्तों तक पहुंच चुकी है, जिन्हें आफ्ताब की काली करतूतों और अत्याचार के बारे में खुद आफ्ताब ने बताया था, जो खुद बता रहे हैं कि श्रद्धा पर आफ्ताब ने कैसे कैसे सितम किए। हमारी इस खास पेशकश में आज आपको दिखाएंगे मुलाकात से मर्डर और मुंबई से जंगल तक को लेकर हर वो बड़ा खुलासा जिनसे अब तक पर्दा नहीं उठा। ये आफ्ताब था, वो उसके बॉडी पे सिगरेट बट्स को लाइट आउट करता था। जब बात करती थी तो दूर जाके बात करती थी, क्योंकि वो डर रही थी। क्या श्रद्धा मर्डर केस के सुराग सबूत सब मिल गए? क्या श्रद्धा ने ही लिखा आफ्ताब का डेथ वारंट? मुलाकात से मर्डर तक, मुंबई से जंगल। आफ्ताब की हैवानियत, 10 सनसनीखेज खुलासे। इन्वेस्टिगेशन ऑन है, दिल्ली से मुंबई तक, गुरुग्राम से हिमाचल तक। कहीं पुलिस की टीम श्रद्धा के सिर की तलाश कर रही है, तो कहीं वो हथियार जिससे आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। इन्हीं सवालों को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत की टीम लगातार सुरागों को क्रैक कर रही है। इस दौरान सबूत भी मिल रहे हैं, श्रद्धा और आफ्ताब से जुड़े राज से पर्दा भी उठ रहे हैं, कई खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड का सच जानने के दौरान टाइम्स नाउ नव भारत के पास श्रद्धा वॉकर की वो व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है, जिसमें आफ्ताब की क्रूरता का सच लिखा है। ये व्हाट्सएप चैट नवंबर 2020 की है, जिसमें श्रद्धा साफ तौर पर मारपीट की बात कह रही है। उसने इस चैट में लिखा है, उसे इतना पीटा गया कि वो उठ नहीं पा रही है। आफ्ताब किस कदर श्रद्धा पर अत्याचार करता था, उसका एक और सबूत सामने आया है। 3 दिसंबर 2022 को भी श्रद्धा के साथ मारपीट हुई थी। इस दौरान श्रद्धा को इतनी गंभीर चोटें आई थी कि उसे वसई के एक अस्पताल में 3 दिन तक भर्ती रहना पड़ा था। श्रद्धा की एक्सरे रिपोर्ट और अस्पताल से डिस्चार्ज स्लिप इस बात के प्रमाण है कि उसके साथ हैवानों की तरह मारपीट की गई थी। टाइम्स नाउ नव भारत लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। अब श्रद्धा के एक नहीं बल्कि कई बेस्ट फ्रेंड कातिल आफ्ताब का हर वो राज खोल रहे हैं जो कल तक सामने नहीं आया था। नव भारत पर श्रद्धा के कॉलेज फ्रेंड ग्लैडविन और रज शुक्ला बता रहे हैं कि आफ्ताब के गुनाह कितने संगीन और शातिर हैं। दोनों के रिलेशन को लेकर श्रद्धा के बेस्ट फ्रेंड ग्लैडविन ने बताया कि आफ्ताब का श्रद्धा पर पूरी तरह से कंट्रोल था। वो चाहता था कि उन दोनों के बीच की बात किसी और को ना पता चले। इस रिलेशनशिप को लेकर वो कुछ कभी बताती थी आप लोगों को? आफ्ताब के बारे में ऐसे रिलेशनशिप को लेकर वो कभी कुछ बताती नहीं थी, काफी कंट्रोल थी आफ्ताब के थ्रू। आफ्ताब बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था, वो फोन पे भी अगर बात करती थी आफ्ताब से तो वो दूर जाके बात करती थी कभी भी, तो हमें कभी पता नहीं चलता था कि यू नो कि क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। तो ये हमारे लिए काफी ये साइन था कि ये जो लड़का है काफी कंट्रोलिंग है श्रद्धा को लेके, तो हमने बताया श्रद्धा को कि ऐसे इसके साथ मत रहो, खत्म कर दो रिलेशनशिप को, और वो भी करना चाहती थी टिल दी वेरी एंड, वो रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती थी। पर आफ्ताब हमेशा ब्लैकमेल करके या फिर उसको यू नो धमका के रिलेशनशिप में उसको ट्रैप कर लेता था। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वो श्रद्धा से मारपीट करता था, बल्कि सिगरेट से उसे दागता भी था, जिसे लेकर श्रद्धा ने आप बीती दोस्तों को बताई थी, जिसके बाद दोस्तों ने मिलकर आफ्ताब वार्निंग दी। एक ओकेजन पे एक हमारी जो लेडी फ्रेंड है उनके थ्रू सुना था कि जो ये आफ्ताब था वो उसके बॉडी पे सिगरेट बट्स को लाइट आउट करता था, तो ये मैंने सुना था। और उसके बाद हमने मतलब दोस्तों ने जो है वो आफ्ताब को थ्रेटन भी किया कि हम पुलिस को बता देंगे ये बात अगर तुम ऐसे ही श्रद्धा को परेशान करते रहे तो। पर श्रद्धा ब्लैकमेल थी आफ्ताब के थ्रू, बिकॉज ऑफ विच जो श्रद्धा थी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा मत करो, एंड
हम भी ऐसे हो गए थे कि यार श्रद्धा सामने से बोल रही है, तो अगर हमने पुलिस में बोल दिया और उसने अगर वो मुकर गई तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस कि हम टारगेट कर रहे हैं आफ्ताब को, इसलिए हम लोग ने रिजर्व कर लिया अपने कमरे। आफ्ताब कितना शातिर था इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने श्रद्धा के साथ फिर कभी मारपीट नहीं करने का वादा किया था, लेकिन अपने वादे के बाद भी उसने मारपीट करना जारी रखा। आफ्ताब मान चुका था इस बात को कि लाइक ठीक है मैं नहीं करूंगा ऐसे, पर वो हुआ, उसने यू नो कंटिन्यू रहा वो उसका मारपीट का जो था। एंड ऐसे लोगों को यू कैन नॉट जस्ट से एंड ये लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये आफ्ताब जैसे जो लोग हैं वो तो है होते दरिंदे हैं, एंड अभी जो उसने किया दैट इज प्रूफ। तो कहाँ जलाया था अगर कुछ पता हो आपको? उसके पीठ पे जलाया था, बैक पे। श्रद्धा वॉकर ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में अपने दोस्तों को बताया था, जिस पर दोस्तों ने श्रद्धा को इस रिलेशन से बाहर आने के लिए कई बार कहा था, लेकिन आरोपी आफ्ताब सुसाइड करने की धमकी देता था। श्रद्धा के दोस्त ग्लैडविन ने बताया कि इस धमकी की वजह से वो रिलेशन में रह रही थी। प्राइमरीली मुझे तो लगता है क्योंकि वो ब्लैकमेल थी बहुत ज्यादा आफ्ताब के थ्रू, वो बहुत ज्यादा उसके दबाव में थी। वो फोन, जैसे मैंने कहा, वो फोन में भी जब बात करती थी तो दूर जाके बात करती थी क्योंकि वो डर रही थी आफ्ताब से, बहुत ज्यादा डर के रह रही थी। तो उसका पर्सनैलिटी ही पूरा चेंज हो गया था, वो काफी ऑपोजिट हो गई थी जैसे वो है उस पर्सनैलिटी से। मतलब मैं आपको कैसे पूछूं, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूं कि एग्जैक्टली रिलेशनशिप में वो गई, बदलाव हो गया, कांटेक्ट कम हो गया आप लोगों के साथ, लेकिन एग्जैक्टली बर्दाश्त क्यों कर रही थी? ब्लैकमेलिंग क्या होती थी? ब्लैकमेल क्या करता था वो? ब्लैकमेल इस बात से करता था कि वो खुद तो लाइक ही विल सुसाइड, वो बोलता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और तुम्हारे पूरे फैमिली का नाम लिख दूंगा। और श्रद्धा जो कि मैंने बोला कि शी वॉज अ फैमिली गर्ल, तो वो चाहती नहीं थी कि ऐसे उसके फैमिली तक ये बात पहुंचे या फिर यू नो वो कुछ लीगल बैटल में इन्वॉल्व हो, क्योंकि मिडिल क्लास है हम सब, एंड शी डिडंट वांट कि ये कुछ बहुत बड़ा हो जाए एंड यू नो एक लड़के की वजह से उसकी फैमिली को झेलना पड़े कुछ। तो इसलिए वो हमेशा ना सहम जाती थी और ये बहुत उसको टोकता भी था कि तेरे फैमिली को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यू नो मैं सुसाइड करके ये कर दूंगा तेरे फैमिली पे, ये चार्जेस डाल दूंगा। कसाई आफ्ताब ने करीब 6 महीने पहले श्रद्धा की पहले तो गला दबाकर हत्या, फिर उसे आरी से 35 टुकड़े कर दिए। इन सब के बीच श्रद्धा के दोस्त ग्लैडविन ने मई में ही श्रद्धा से बात की थी। श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर रील्स को लेकर बातचीत की थी। आखिरी बार कब बातचीत हुई श्रद्धा से? आखिरी बार मेरी बातचीत यही मई में हुई, और उसके बाद मेरी कोई कांटेक्ट नहीं हुई श्रद्धा से। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ कुछ एक रील पे काम करूं, उसको कुछ सजेशन चाहिए था, फीडबैक चाहिए था, बस उसी के सिलसिले में उसने मुझे मैसेज किया था ऑन 4th में। कसाई आफ्ताब महिला अधिकार को लेकर हमेशा ढोंग करता था, ये बातें श्रद्धा की दोस्त रजत शुक्ला ने टाइम्स नाउ नवभारत से कही। रजत ने बताया कि वो हमेशा इसी तरह का दिखावा करता था कि वो महिलाओं के साथ खड़ा हुआ है। आफ्ताब ने पूरी कोशिश की शुरुआत से लेके अंत तक कि वो अपने व्यक्तित्व का सिर्फ अच्छा ही लोगों को दिखाए, वो दिखाए कि वो क्या अच्छा सोचता है समाज के बारे में, महिलाओं के बारे में, जो सामाजिक और तत्व है उनके बारे में वो क्या सोचता है। वो हमेशा लोगों के सामने प्रिटेंड ही करता नजर आया। एवरी टाइम, हर बार जब भी कोई कुछ इंसिडेंस हुआ, जब वॉयलेंस के बारे में सुना गया, तब भी आफ्ताब ने बातें बना ली। उसने कहा कि किस तरीके से श्रद्धा और हमारे बीच ये छोटे मोटे झगड़े हैं, इस तरीके से बातें बना ली उसने बोला आगे से ऐसा नहीं होगा। वो जिस तरीके से प्रिटेंड करता था, जिस तरीके से बताया है दोस्तों ने, अगर इसको समझा जाए तो आपको पता लगेगा कि ये इंसान निहायत ही झूठा है। कसाई आफ्ताब ने मुंबई के होटल में बतौर शेफ ट्रेनिंग ली थी। श्रद्धा के दोस्त ने दावा किया कि आफ्ताब ने मर्डर का पूरी तरह से प्लान बना रखा था। मास मीडिया के पहले साइंस में रुचि थी, तो जितना मैंने जाना था कि एक इंसान के बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको निकालने से लेकर टिश्यूज को भी साफ करने से लेकर बोन्स के कटिंग, बोन्स हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको भी कट करना और 35 पीसेस में कट करके एक फ्रिज में समा देना, वो किस तरीके से, ये प्रिसिशन जो है ये कोई एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर सकता है? यस, या ऐसा कोई इंसान कर सकता है जो जाहिर सी बात है कि ट्रेंड हो इस चीज के स्पेशली, और उसको ऑलमोस्ट, मतलब आप देखें अभी भी कड़ियां जोड़ने की जरूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि एविडेंसेस पर्याप्त नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप समझिए किस तरीके से वो ट्रेंड है, वो एक इंसान और उसके पीछे यहां लाखों करोड़ों लोग लगे हैं कि उसको सजा दिलाई जाए, लेकिन आप सोचिए वो प्री प्लान था।
अब तक जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक श्रद्धा और आफताब के रिश्ते बेहद खराब थे। दोनों के बीच बहस और झगड़ों का सिलसिला काफी बढ़ गया था। सूत्रों की माने तो रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर आफताब ने मुंबई के पास मलाड इलाके में रहने वाली श्रद्धा की हत्या की साजिश रच डाली थी। सवाल बहुत हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। आफताब इतना शातिर है कि वो पुलिस को हर दिन गुमराह कर रहा है और पुलिस के लिए भी एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ना आसान नहीं लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।